हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज हर्ष। और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हमारा जो प्रोजेक्ट जो था न्यू पोर्टफोलियो वेबसाइट, उसे बनाना स्टार्ट कर दिया था। और हम लोगों ने लास्ट वीडियो में उसका फोल्डर स्ट्रक्चर देखा था, और हम लोगों ने हमारा जो हेडर का जो पार्ट जो था उसे भी थोड़ा कवर कर लिया था। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे होम पेज की और अबाउट के पेज की। और साथ में मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग देखेंगे राउटिंग का पार्ट, तो वो किस तरह से होगा वो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखते हैं। तो अगर आप लोगों ने अभी तक पार्ट वन नहीं देखा तो उसे जाके जल्दी से चेकआउट कीजिए। मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्रिएट करेंगे राउटिंग को, और राउटिंग को क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पर एक पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ेगा, और उस पैकेज का नेम है रिएक्ट राउटर डोम। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उस पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर जाएंगे, अपना टर्मिनल ओपन करेंगे और इसे यहाँ पर करेंगे क्लोज, और यहाँ पर हम लोग उस पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा npmi, यहाँ पर होगा ये रिएक्ट राउटर डोम, और इसे यहाँ पर मैं कर लेता हूँ इंस्टॉल, और हमारी जो ऐप है इसे यहाँ से क्लोज कर दूंगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो पैकेज जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। तो हम लोग हमारी ऐप को फिर से रिस्टार्ट कर देंगे, तो हमारी ऐप यहाँ पर फिर से स्टार्ट हो चुकी है। तो अब हम लोग करेंगे क्या, तो इस टर्मिनल को यहाँ पर क्लोज करेंगे, और सबसे पहले अब हम जाएंगे हमारे इंडेक्स डॉट जे एस के पेज पर यहाँ पर। और यहाँ पर अब करेंगे क्या, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो रिएक्ट राउटर डोम का जो पेरेंट कॉम्पोनेंट होगा ब्राउजर राउटर, उसे इम्पोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे इम्पोर्ट, फिर यहाँ पर होगा ब्राउजर राउटर, इम्पोर्ट ब्राउजर राउटर फ्रॉम, और ये ब्राउजर राउटर होगा रिएक राउटर डोम से, इम्पोर्ट ब्राउजर राउटर फ्रॉम रिएक राउटर डोम, और इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पर स्ट्रिक्ट मोड की जगह पर इसे कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पर भी इसे करेंगे पेस्ट, और इन सबको यहाँ से नीचे से हटाएंगे, इसकी कोई नीड नहीं है, और यहाँ से भी इसे हटाएंगे। तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर हम लोगों ने रिएक्ट राउटर डोम को इंस्टॉल किया। देन इंस्टॉल करने के बाद हम लोगों ने हमारा जो पेरेंट कंपोनेंट होगा हमारे राउटिंग करने के लिए, तो वो पेरेंट कंपोनेंट होगा ब्राउजर राउटर। तो उस ब्राउजर राउटर को रिएक्ट राउटर डोम से हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर लिया, इम्पोर्ट कर लिया। तो अब हम लोगों को क्या करना है, तो अब हमें जाना होगा ऐप के पेज पर। तो यहाँ पर ऐप के पेज पर हम लोग आएंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग रिएक्ट राउटर डोम के अंदर से कुछ लिखे, उससे पहले एक काम करते हैं, हम लोगों ने जितने भी हमारी फाइल्स क्रिएट करी होम अबाउट कॉन्टेक्ट और प्रोजेक्ट की, उन सारी फाइल्स को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इम्पोर्ट होम, और हमारा होम पेज होगा इम्पोर्ट होम फ्रॉम, इम्पोर्ट होम फ्रॉम, सबसे पहले होगा ये कॉम्पोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के अंदर सबसे पहले होगा ये होम, और फिर यहाँ पर होगा इंपोर्ट अबाउट, इंपोर्ट अबाउट फ्रॉम, यहाँ पर सेम होगा कंपोनेंट्स के अंदर से अबाउट को। तो ठीक उसी तरह यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, इसे दो और बार कॉपी कर लेता हूँ, और फिर यहाँ पर अबाउट की जगह पर होगा ये कॉन्टेक्ट, तो यहाँ पर होगा ये कॉन्टेक्ट से, यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पर करेंगे पेस्ट, और फिर यहाँ पर एक और था प्लेलिस्ट डॉट जेएस, तो यहाँ पर अबाउट की जगह पर होगा ये प्लेलिस्ट, और इसे यहाँ से करेंगे कॉपी, और यहाँ पर करेंगे पेस्ट, और यहाँ पर एक और था फुटर डॉट जेएस, तो उस फुटर को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर इंपोर्ट फुटर, इंपोर्ट फुटर फ्रॉम कंपोनेंट्स के अंदर, फुटर के अंदर से। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, हमारे जितने भी कंपोनेंट्स थे, जितनी भी हमारी फाइल्स थी, उन सबको यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। और अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग इंपोर्ट करेंगे रूट्स को, इंपोर्ट रूट्स कॉमा, यहाँ पर होगा ये रूट, इंपोर्ट रूट्स कॉमा रूट फ्रॉम, यहाँ पर होगा ये रिएक्ट राउटर डोम से। तो यहाँ पर मैंने ये क्या किया, सबसे पहले पेरेंट कंपोनेंट को ब्राउजर राउटर को रिएक्ट राउटर डोम से यहाँ पर इंपोर्ट किया, फिर उसके बाद
क्रिएट राउटर डोम के अंदर से रूट्स और रूट इन दोनों को यहाँ पर हम लोगों ने इंपोर्ट किया ताकि हम लोग क्या कर सके, राउटिंग कर सके। तो इस रूट्स को यहाँ से मैं करूँगा कॉपी और इस हेडर के नीचे यहाँ पर लिखूंगा इसे और यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने रूट्स लिखा और उसके ऊपर हेडर क्यों लिखा वो आपको अभी पता चल जाएगा। और फिर यहाँ पर इस रूट को करेंगे कॉपी, यहाँ पर इस रूट को करेंगे पेस्ट और इसे हम लोग क्रिएट करेंगे सेल्फ क्लोजिंग। और इस रूट के अंदर हमें सबसे पहले तो यहाँ पर पाथ प्रोवाइड करना होगा कि हमारा पाथ कौन सा होगा। तो सबसे पहले हमारा पाथ होगा ये फॉरवर्ड स्लैश जो कि होगा हमारे होम पेज के लिए। और यहाँ पर हमें अब लिखना पड़ेगा एलिमेंट और एलिमेंट के अंदर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे होम। और ये होम मैंने इसलिए लिखा बिकॉज कि हमारा जो पाथ जब फॉरवर्ड स्लैश या फिर 3000 पोर्ट रहेगा उस टाइम पे हम लोग क्या करवाएंगे, हमारा जो होम पेज जो है उसे शो करवाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैंने पाथ दिया ये फॉरवर्ड स्लैश और एलिमेंट के अंदर मैंने लिखा होम। तो उसे यहाँ पर मैं क्या करूंगा, तीन और बार कॉपी कर लूंगा और इसका पाथ यहाँ पर मैं चेंज करके लिख दूंगा अबाउट, और होम की जगह यहाँ पर होगा ये अबाउट। ठीक उसी तरह यहाँ पर होगा ये कॉन्टेक्ट, यहाँ पर होगा कॉन्टेक्ट और फिर यहाँ पर भी मैं क्या कर दूंगा, लिख लूंगा ये कॉन्टेक्ट और फिर यहाँ पर होगा ये प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट और फिर यहाँ पर भी होगा ये प्लेलिस्ट और इसे यहाँ पर मैं करूंगा सेव। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने रूट्स की हेल्प से इन सारे रूट को क्या करवा दिया, सेट करवा दिया। मतलब कि अपने पाथ के अकॉर्डिंगली मैंने उस कंपोनेंट को सेट करवा दिया। तो अगर आप लोगों को यहाँ पर मैं लेके जाऊं तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो हेडर जो है वो बिल्कुल वही का वही है और उसके नीचे आप लोगों को यहाँ पर सिर्फ होम दिखेगा जबकि हम लोगों ने यहाँ पर ये सारे कंपोनेंट ऐड करवा दिए, बट हमें सिर्फ फर्स्ट वाला ही शो करेगा। और वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने उसे रूट्स के अंदर, इस रूट के अंदर लिखा, और हेडर को हम लोगों ने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हेडर जो होगी वो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में ही बताया था कि हेडर हमारे पूरे प्रोजेक्ट के अंदर कॉमन रहेगा, हेडर और फुटर का पार्ट। तो इस फुटर को भी यहाँ से करूंगा कॉपी और नीचे यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये होम और उसके नीचे ये फुटर, ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो अब अगर यहाँ पर 3001 के बाद अगर यहाँ पर मैं लिखता हूँ अबाउट और यहाँ पर इसे करूंगा एंटर, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो हेडर है ठीक उसके नीचे जो होम लिखा था उसकी जगह पर यहाँ पर ये अबाउट लिख के आ चुका है। और ठीक उसी तरह अगर यहाँ पर मैं जाऊं और कॉन्टेक्ट लिखता हूँ तो यहाँ पर ये कॉन्टेक्ट का पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पर हमारा जो राउटिंग का जो काम है वो एकदम अच्छे से देख लिया कि किस तरह से राउटिंग को सेट करना है, इंडेक्स के पेज पर ब्राउजर राउटर को इम्पोर्ट करवा के, ऐप के पेज पर रूट और इस रूट्स के अंदर हम लोगों को क्या करना है, सिर्फ पाथ को सेट करना है और पाथ को हम लोगों ने एकदम अच्छे से सेट कर लिया। तो अब हम लोग क्रिएट क्या करेंगे, तो यहाँ पर ये जो हेडर के पेज पर ये जो नैव बार जो है उसे ठीक करेंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा, यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम लोग इम्पोर्ट करेंगे नैव लिंक को और ये नैव लिंक होगी हमारे रिएक्ट राउटर डोम के अंदर से। तो यहाँ पर इम्पोर्ट करेंगे नैव लिंक को और इस नैव लिंक को कॉपी करेंगे और यहाँ पर ये जो नैव लिंक लिखा है उसकी जगह पर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ये नॉर्मल नैव लिंक कर देंगे, इन सबको यहाँ से हटाएंगे और यहाँ पर ये जो HRF एट्रीब्यूट है ना उसकी जगह पर हमें यहाँ पर रिएक्ट राउटर डोम की जो नैव लिंक होगी उसे एक एट्रीब्यूट देना पड़ेगा टू। तो यहाँ पर लिखेंगे ये टू, इस टू को कॉपी करूंगा, यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट, यहाँ पर भी होगा पेस्ट और यहाँ पर ये जो पाथ लिखा है इन सबको हटाएंगे। यहाँ पर होम पेज के लिए होगा ये फॉरवर्ड स्लैश, फिर यहाँ पर ये होगा फॉरवर्ड स्लैश के बाद अबाउट और फिर यहाँ पर ये होगा हमारा कॉन्टेक्ट का पेज। तो यहाँ पर होगा कॉन्टेक्ट और फिर यहाँ पर होगा प्लेलिस्ट, यहाँ पर होगा ये प्लेलिस्ट। तो इसे यहाँ से करेंगे कॉपी, यहाँ पर करेंगे पेस्ट और यहाँ पर होगा ये प्रोजेक्ट्स, इसे यहाँ पर करेंगे सेव और इसे यहाँ पर ऊपर रखना था तो यहाँ से कट करूंगा, यहाँ पर कर दूंगा मैं पेस्ट। और अब अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें तो हाँ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है, बट यहाँ पर ये एक दूसरे से यहाँ पर ये चिपका हुआ है और उसके नीचे यहाँ पर एक अंडरलाइन भी है तो उसे भी ठीक करना होगा। तो
क्या करेंगे, सबको हम लोग एक साथ एक क्लास नेम दे देते हैं यहाँ पर। तो सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर हम लोग उसे क्लास नेम देंगे, और क्लास नेम होगा यहाँ पर टेक्स्ट डेकोरेशन, नन कर देंगे और इसे यहाँ पर करेंगे सेव। तो इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन जो है वो यहाँ पर एकदम अच्छे से चला गया। और यहाँ पर अब हम लोग करेंगे क्या, तो इन सबको ना एक कॉमन स्टाइल दे देते हैं। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, यहाँ पर स्टाइल लिखेंगे और स्टाइल के अंदर करेंगे क्या, तो स्टाइल के अंदर क्या करेंगे, एक कॉमन करके एक वेरिएबल लिख लेते हैं, और इस कॉमन वेरिएबल को कॉपी करूंगा और यहाँ पर ऊपर क्या करूंगा, लिखूंगा कॉन्स्ट ये कॉमन, और इसके अंदर हम लोग थोड़ी बहुत स्टाइलिंग ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे मार्जिन राइट, और मार्जिन राइट से देंगे हम लोग यहाँ पर 15, और फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, उसे देंगे फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज भी होगी यहाँ पर ये 17, और फिर यहाँ पर हम लोग उसे देंगे लेटर स्पेसिंग, और लेटर स्पेसिंग होगा यहाँ पर ये 0.5 पिक्सल, और इसे यहाँ पर करेंगे सेव, और एक बार हम लोग चेक करेंगे। तो हाँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर इसका जो डिव है, इसे भी एक क्लास नेम देंगे, यहाँ पर इस डिव को देंगे मार्जिन टॉप से 2 और करेंगे सेव। तो हाँ, ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो यहाँ पर होम, अबाउट, प्रोजेक्ट, कॉन्टेक्ट, ये जो हमारा नया बार है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें, और यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें, तो ये बिल्कुल एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। बस इसका जो कलर जो है उसे हमें चेंज करना है, तो वो कलर तो हम लोग बाद में चेंज कर देंगे, लेकिन हमारा जो हेडर का जो पार्ट है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर बन के रेडी है। तो यहाँ पर ये हेडर का पार्ट जो है वो एकदम अच्छे से बन के रेडी है। और अब हम लोग करेंगे क्या, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा यहाँ पर ये जो होम पेज है उसे हम लोग क्रिएट करेंगे, और साथ में अबाउट का जो पेज है उसे भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जाएंगे हम लोग हमारे होम डॉट जे एस के पेज पर, और यहाँ पर, और यहाँ से इसे हटाएंगे और यहाँ पर क्रिएट करेंगे ये फ्रेगमेंट, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक डिव लूंगा, और उस डिव को यहाँ पर मैं क्लास नेम दूंगा कंटेनर, और फिर यहाँ पर क्या करूंगा, कंटेनर के बाजू में एक और क्लास नेम दूंगा उसे होम कंटेनर, और फिर उसके अंदर एक और डिव होगा, और वो होगा हमारा होम का इनर डिव। तो यहाँ पर हम लोग उसे भी एक क्लास नेम देंगे होम, यहाँ पर होगा ये इनर डिव। और फिर उसके अंदर हमें यहाँ पर करना क्या है, तो अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं, तो यहाँ पर हमारे मेन कंटेनर के अंदर दो पार्ट है, लेफ्ट पार्ट के अंदर ये सब कुछ लिखा हुआ है और राइट पार्ट के अंदर ये इमेज है। तो यहाँ पर दो पार्ट होंगे, तो यहाँ पर हम लोग एक और डिव क्रिएट करेंगे लेफ्ट पार्ट के लिए, यहाँ पर होगा ये लेफ्ट डिव, और फिर उसके नीचे यहाँ पर होगा राइट पार्ट के लिए एक राइट डिव, तो उसे भी यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे राइट अंडरस्कोर डिव, और राइट डिव के अंदर यहाँ पर होगा ये इमेज। और इमेज के लिए अभी हम लोग क्या करेंगे, पब्लिक के अंदर यहाँ पर कोई भी इमेज होगा उसे ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा है लोगो, यहाँ पर होगा 192.png, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। और अगर यहाँ पर चेक करूँ, तो हाँ ये लोगो एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है, तो कोई बात नहीं, उसे तो हम लोग बाद में देख लेंगे। और फिर लेफ्ट डिव के अंदर हमें अब करना क्या है, तो अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है वेलकम टू ई हर्ष पाठक, तो उसे सबसे पहले क्रिएट करेंगे H2 के अंदर। तो यहाँ पर लिखेंगे वेलकम टू, फिर यहाँ पर लेंगे एक स्पैन टैग, और इसके अंदर लिखेंगे हम लोग ये हर्ष पाठक, और इस स्पैन को ना हम लोग थोड़ा बहुत स्टाइलिंग देंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, स्टाइल देंगे इसे, और इसका स्टाइल होगा यहाँ पर सबसे पहले तो इसका कलर होगा, और उसका कलर होगा यहाँ पर ये 6C, फिर उसके बाद 6FFF, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। और अगर यहाँ पर मैं इसे चेक करूँ, तो हाँ इसका जो स्टाइल जो है उसका कलर यहाँ पर एकदम अच्छे से चेंज हो चुका है, हम लोगों ने जो स्टाइलिंग ऐड करी वो यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुकी है। तो अब यहाँ पर करना क्या है, तो इसके नीचे होगा ये पैराग्राफ, तो वो हम लोग लेंगे पी टैग के अंदर। तो H2 के नीचे हम लोग करेंगे क्या, तो यहाँ पर लिखेंगे एक पी टैग, और उसके अंदर हम लोग लिखेंगे लोरेम 30, ये डमी कीवर्ड यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे।
और ये जो पी लिखा उसे भी यहाँ पर हम लोग देंगे स्टाइल, और उसे यहाँ पर हम लोग कलर देंगे, ये होगा हमारा कलर 666। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसे देंगे थोड़ा लेटर स्पेसिंग, यहाँ पर होगा ये लेटर स्पेसिंग, और लेटर स्पेसिंग देंगे हम लोग उसे 0.5 पिक्सल, और फिर उसे हम लोग देंगे यहाँ पर मार्जिन टॉप से 2, मार्जिन टॉप से 2, और इसे हम लोग यहाँ पर करेंगे सेव और एक बार चेक करेंगे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर ही एकदम अच्छे से तो आ चुका है। और हमें अब क्या करना है, तो हमें अब यहाँ पर ये लेफ्ट पार्ट में चाहिए, और इमेज जो यहाँ पर जो नीचे है वो इमेज हम लोगों को राइट पार्ट में चाहिए। तो उसे हम लोग कैसे ठीक करेंगे, तो उसके लिए एक काम करेंगे हम लोग, क्या करेंगे सबसे पहले जाएंगे यहाँ पर और कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे, और उस फाइल का नेम होगा होम डॉट सी एस एस। और हम लोग क्या करेंगे, हमारे होम पेज का जो भी सी एस एस का जो होगा थोड़ी बहुत स्टाइलिंग, वो सब कुछ हम लोग यहाँ पर क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और इसके अंदर ज्यादा स्टाइलिंग नहीं होगी, थोड़ी बहुत ही स्टाइलिंग होगी, और हम लोग यहाँ पर स्टाइलिंग का पार्ट इतना ज्यादा कवर नहीं करेंगे। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा सोर्स कोड फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा स्टाइलिंग का, और थोड़ा बहुत यहाँ पर मैं आपको स्टाइलिंग में दिखा दूंगा कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसकी जो भी स्टाइलिंग होगी होम डॉट सी एस एस की, उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इस स्टाइलिंग को यहाँ पर कॉपी करके कर दूंगा यहाँ पर मैं पेस्ट, और यहाँ पर कुछ ज्यादा स्टाइलिंग नहीं है। हम लोगों ने जो कंटेनर क्रिएट किया था हमारा जो होम कंटेनर, उस होम कंटेनर को यहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत हाइट विड्थ दी है, और फिर हमारा जो इनर डिव था ये वाला, उसे मैंने यहाँ पर डिस्प्ले फ्लेक्स दिया है, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो कंटेनर जो था वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा, इमेज राइट साइड पे चला जाएगा और जो हम लोगों ने वेलकम हर्ष पाठक लिखा था वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा। हम लोगों ने यहाँ बस थोड़ी बहुत मार्जिन और विड्थ वगैरह चेंज किया है और कुछ नहीं किया, और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी बहुत मीडिया क्वेरी का यूज किया है ताकि ये रिस्पॉन्सिव बन जाए, और कुछ ज्यादा स्टाइलिंग नहीं है। तो मैं ये सारा कोड आप लोगों को नीचे फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप लोग वहां पर एक बार जाके चेक कर सकते हैं। तो अब अगर हम लोग जाए यहाँ पर और अगर यहाँ पर हम लोग चेक करें, तो यहाँ पर अभी तक कुछ यहाँ पर हमारे स्टाइलिंग में चेंजेस नहीं हुआ, और वो इसलिए क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर सी एस एस को इम्पोर्ट ही नहीं किया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इम्पोर्ट, यहाँ पर होगा ये होम डॉट सी एस एस, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। तो जैसे ही यहाँ पर मैंने सेव किया, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा ये जो इमेज जो है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर ये वेलकम टू हर्ष पाठक, और यहाँ पर ये जो पी टैग के अंदर हम लोगों ने जो भी लिखा था वो एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। और हम लोगों को अब क्या करना है, तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर नीचे ये दो बटन थे, तो हम लोगों को यहाँ पर बटन भी चाहिए, तो बटन हम लोगों ने यहाँ पर यूज करे थे हमारे हेडर के पेज पर। तो यहाँ से इस बटन को मैं कर लेता हूँ कॉपी और जाऊंगा होम के पेज पर, यहाँ पर करूंगा मैं पेस्ट, और फिर यहाँ पर करना क्या है हम लोगों को, ये जो पी टैग लिखा है ठीक उसके नीचे यहाँ पर एक और डिव क्रिएट करेंगे, और उस डिव को यहाँ पर क्लास नेम देंगे BTA_DIV, और उसे देंगे यहाँ पर हम लोग मार्जिन टॉप से 4, और यहाँ पर ये जो बटन है उस बटन को यहाँ पर कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ से इस बटन को कॉपी करेंगे और फिर यहाँ पर इसके अंदर कर देंगे पेस्ट, और बटन को भी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, स्टाइलिंग प्रोवाइड करेंगे। तो बटन को स्टाइल कैसे करेंगे, तो ऊपर से ये जो स्टाइल लिखा है उसे कॉपी कर लूंगा और फिर यहाँ पर करूंगा मैं पेस्ट, और बटन को हम लोग क्या करेंगे, लेटर स्पेसिंग देंगे यहाँ पर हम लोग 1 पिक्सल का, यहाँ पर लेटर स्पेसिंग होगा 1 पिक्सल का, और फिर उसे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बॉर्डर देंगे नन। तो बटर को हम लोग यहाँ पर मार्जिन टॉप हटाएंगे यहाँ से, उसे सबसे पहले देंगे बॉर्डर, और उसका बॉर्डर होगा यहाँ पर ये नन। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पर उसे देंगे बॉर्डर रेडियस, और बॉर्डर रेडियस यहाँ पर होगा ये 4, और यहाँ पर उसका जो कलर है उसे यहाँ से हटाएंगे, और हम लोगों को यहाँ पर उसे एक बैकग्राउंड कलर भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग देंगे उसे बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड कलर यहाँ पर क्या होगा उसका, तो बैकग्राउंड कलर होगा यहाँ पर ये 2F,
यहाँ पर होगा 2F2D69 और यहाँ पर कॉमा करके देंगे उसे मार्जिन राइट, और मार्जिन राइट यहाँ पर हम लोग उसे देंगे ये 24 और इसे करूंगा मैं सेव। और एक बार अगर हम लोग चेक कर लें तो हाँ ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और हमें यहाँ पर करना क्या है, इसी बटन को दोबारा कॉपी करना है और नीचे यहाँ पर कर देना है पेस्ट और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव। और इसका जो कलर है वो कलर ये रहा, तो ये वाला कलर हमें चाहिए तो इसे यहाँ से करेंगे कॉपी और फिर यहाँ पर इसकी जगह पर कर देंगे हम लोग पेस्ट। और यहाँ पर हम लोगों को मार्जिन राइट नहीं चाहिए तो इसे यहाँ पर मैं कर देता हूँ क्लोज और करूंगा सेव। तो हाँ आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो होम पेज जो है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर बन के रेडी है। हम लोगों ने यहाँ पर कुछ नहीं किया, सिंपल ही है। मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पर क्या किया। सबसे पहले तो हम लोगों ने राउटिंग का पार्ट देखा। राउटिंग क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक डिव लिया, उसे एक कंटेनर क्लास दिया और फिर यहाँ पर हम लोगों ने एक इनर डिव लिया। इनर डिव इसलिए बिकॉज कि हम लोगों को हमारा जो होम पेज है उसे दो पार्ट में स्प्लिट करना है। लेफ्ट पार्ट होगा हमारा एक पूरा हमारा कंटेंट और राइट साइड पे होगा हमारा इमेज। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, एक लेफ्ट डिव ले लिया और यहाँ पर एक डिव लिया राइट डिव, और दोनों को हम लोगों ने दो पार्ट के अंदर क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। और डिवाइड करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पर थोड़ी बहुत स्टाइलिंग ऐड करी, उसे बैकग्राउंड कलर मार्जिन लेटर स्पेसिंग ये सब कुछ हम लोगों ने एकदम अच्छे से यहाँ पर ऐड कर दिया। और यहाँ पर होम डॉट सी एस एस के अंदर थोड़ी बहुत स्टाइलिंग करी, डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया हमारे इनर डिव को ताकि ये एक दूसरे के साइड बाय साइड यहाँ पर आ जाए एकदम अच्छे से। और ज्यादा स्टाइलिंग नहीं है यहाँ पर, हम लोगों ने मार्जिन टॉप विड्थ इमेज का वही सेट किया हुआ है और कुछ नहीं है। तो स्टाइलिंग का आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा, उसका जो भी सोर्स कोड होगा वो मैं नीचे आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो यहाँ पर हमारा जो होम पेज जो है वो एकदम अच्छे से बन के रेडी है। आप लोगों को इमेज के लिए क्या करना है, पब्लिक के अंदर आपको अपना जो भी इमेज जो आपको पसंद हो वो आपको इस पब्लिक के अंदर एंटर कर देना है और उस इमेज का पाथ आप लोगों को यहाँ पर ऐड कर लेना है। मैं अभी थोड़ी देर बाद मेरा जो इमेज जो है जो मैंने यहाँ पर सेट किया हुआ था यहाँ पर ये वाला, तो उसी इमेज को मैं क्या करूँगा यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा। और अगर आप लोगों को जानना है कि ये वाला जो इमेज जो है वो यहाँ पर मैंने कहाँ से लिया था, तो मैं आप लोगों को एक वेबसाइट बता देता हूँ। यहाँ पर होगा अनड्रो करके एक वेबसाइट है, तो आप लोग इस वेबसाइट पर जाएं और यहाँ पर आप लोगों को ब्राउज नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर जो सारे के सारे SVG इमेजेस जो है वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। और आप लोग यहाँ पर सर्च भी कर सकते हैं कि आप लोगों को कौन सा इमेज चाहिए, तो यहाँ पर आप लोगों को एकदम अच्छे से मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा होम पेज जो है वो एकदम अच्छे से बन के रेडी है, तो इसे यहाँ पर मैं क्लोज करूंगा और अब जाऊंगा अबाउट के पेज पर। तो हम लोगों को अब अबाउट का पेज क्रिएट करना है। तो अबाउट के पेज के लिए क्या करेंगे, तो अबाउट के लिए सबसे पहले तो इस होम और होम डॉट सी एस एस इन सबको क्लोज कर देंगे और सबसे पहले जाएंगे हम लोग कहाँ पर, अबाउट डॉट जे एस पर यहाँ पर, और यहाँ पर इसे हम लोग करेंगे क्लोज इन सबको। और यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंटेनर क्रिएट कर लेंगे कंटेनर, और इस कंटेनर को भी हम लोग यहाँ पर देंगे एक और क्लास नेम और वो होगा यहाँ पर मार्जिन बॉटम से 3। फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अबाउट अंडरस्कोर अबाउट कंटेनर और फिर यहाँ पर हम लोग देंगे उसे एक स्टाइल, और स्टाइल में होगा यहाँ पर उसकी मिनिमम हाइट, और उसकी मिनिमम हाइट हम लोग कर देंगे 100%। तो उसकी स्टाइल होगी यहाँ पर मिनिमम हाइट 100%, तो उसे लिखेंगे हम लोग डबल कोट्स के अंदर और उसका यहाँ पर ये मिनिमम हाइट एकदम अच्छे से आ जाएगा। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो अगर हम लोग यहाँ पर चेक करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी ये दो पार्ट में डिवाइड है, एक होगा हमारा लेफ्ट पार्ट एक होगा राइट पार्ट। तो यहाँ पर हम लोग एक और कंटेनर क्रिएट करेंगे कंटेनर, और कंटेनर के अंदर होगा यहाँ पर एक और क्लास नेम जिसका नेम होगा यहाँ पर ये मेन कंटेनर। फिर उसे हम लोग देंगे यहाँ पर डिस्प्ले फ्लैक्स, देंगे जस्टिफाई कंटेंट अराउंड और यहाँ पर हम लोग उसे देंगे फ्लैक्स रैप, जिससे कि क्या होगा कि जब हम लोग इसे मोबाइल डिवाइस में देखेंगे तो ये साइड बाय साइड नहीं होंगे, एक के नीचे एक यहाँ पर एकदम अच्छे से आ जाएंगे।
तो इसे यहाँ पर मैं करूंगा सेव। और यहाँ पर अब मैं क्या करूंगा, दो और ड्यू लूंगा जिसमें से सबसे पहले होगा हमारा ये लेफ्ट कंटेनर, और लेफ्ट कंटेनर के बाद इसे यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी, और लेफ्ट की जगह यहाँ पर होगा ये राइट कंटेनर, तो इससे यहाँ पर लिखूंगा राइट कंटेनर। और सबसे पहले अब चेक करेंगे लेफ्ट कंटेनर के अंदर हमारा कौन सा कंटेंट होगा। तो यहाँ पर ये लिखा है मीट हर्ष पाठक, और यहाँ पर ये वर्ड लिखे हुए हैं डमी। तो सबसे पहले यहाँ पर होगा H2, तो H2 के अंदर हम लोग लिख लेंगे ये मीट हर्ष पाठक, और यहाँ पर इस लेफ्ट कंटेनर को देंगे मार्जिन टॉप से 5। फिर यहाँ पर हम लोग उसे स्टाइल देंगे और उसकी विड्थ हम लोग कर देंगे, उसकी विड्थ होगी यहाँ पर 500, जिसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव और एक बार चेक करूँगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग जाएँ अबाउट के पेज पर, तो हाँ ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है। और अब यहाँ पर नीचे डमी वर्ड एंटर कर लेंगे, तो यहाँ पर लिखूंगा पी टैग, और पी टैग के अंदर लिखेंगे लोरेम 40, और यहाँ पर करूँगा इसे एंटर। तो यहाँ पर ये डमी वर्ड यहाँ पर आ चुके हैं, तो इस पी टैग को भी हम लोग यहाँ पर देंगे थोड़ी बहुत स्टाइलिंग। तो स्टाइल के अंदर सबसे पहले होगा उसका कलर, तो कलर होगा यहाँ पर ये 666, और फिर उसके बाद यहाँ पर होगा एक लेटर स्पेसिंग, और लेटर स्पेसिंग हम लोग देंगे यहाँ पर 0.5 पिक्सल का, तो लेटर स्पेसिंग होगा यहाँ पर 0.5 पिक्सल। फिर यहाँ पर होगा मार्जिन टॉप से 2, और फिर यहाँ पर होगा लाइन हाइट, और लाइन हाइट यहाँ पर होगा ये 2, और इसे यहाँ पर मैं करूँगा सेव और एक बार चेक कर लेता हूँ। तो हाँ ये एकदम अच्छे से यहाँ पर आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, राइट कंटेनर के अंदर यहाँ पर लिखेंगे इमेज टैग, और इमेज के अंदर यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मेरा एक इमेज मैंने पब्लिक फोल्डर के अंदर यहाँ पर ऐड कर लिया है, तो यहाँ पर होगा ये हर्ष डॉट जेपीजी, तो इस इमेज को यहाँ पर मैं लिखूंगा हर्ष डॉट जेपीजी, और इसे यहाँ पर मैं करूंगा सेव। और इस राइट कंटेनर को हम लोग यहाँ पर देंगे मार्जिन टॉप से 3, और करूंगा यहाँ पर इसे मैं सेव, और एक बार हम लोग चेक करेंगे। तो हाँ ये इमेज जो है वो यहाँ पर एकदम अच्छे से आ चुका है, बट ये काफी बड़ा है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, ठीक कर लेंगे। तो एक काम करेंगे हम लोग यहाँ पर, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक CSS फाइल क्रिएट करेंगे हमारे अबाउट के पेज के लिए। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं अबाउट डॉट CSS, और इस CSS फाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट यहाँ पर होगा अबाउट डॉट CSS, और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, जल्दी से CSS का जो पार्ट है उसे कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कॉपी कर लिया और इसे यहाँ पर करूँगा मैं पेस्ट, और एक बार हम लोग चेक करें तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने CSS फाइल को कॉपी किया, वो एकदम अच्छे से यहाँ पर अपने आप ही सेट हो चुका है। और ये अबाउट कंटेनर जो हम लोगों ने यहाँ पर लिखा था, हमारा मेन कंटेनर के बाजू में अबाउट कंटेनर, तो उसे हम लोगों ने यहाँ से ही क्या कर दिया है, सब कुछ एकदम हाइट एकदम अच्छे से सेट करवा दी। फिर हमारा जो इमेज जो था यहाँ पर राइट साइड पे, तो उस इमेज को भी हम लोगों ने विड्थ और हाइट प्रोवाइड कर दी, और यहाँ पर हम लोगों ने थोड़ी मीडिया क्वेरी भी ऐड कर दी, ताकि ये इमेज जो है वो यहाँ पर एकदम अच्छे से रिस्पॉन्सिव यहाँ पर सेट हो जाए जब हम लोग उसे मोबाइल डिवाइस के अंदर चेक करें तब। तो हमारा यहाँ पर ये जो अबाउट का जो पेज है वो एकदम अच्छे से यहाँ पर बन चुका है। और फिर से एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पर हमारे हेडर को ठीक किया, फिर राउटिंग को क्रिएट किया, राउटिंग को क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने हमारे होम पेज को डिजाइन किया, और होम पेज का जो भी CSS का कोड होगा वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। फिर उसके बाद हम लोग अबाउट पेज पर आए, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, कंटेनर के अंदर एक मेन कंटेनर क्रिएट किया, और जिसमें से लेफ्ट साइड पे होगा हमारा ये मीट हर्ष पाठक, एंड राइट साइड पे होगा हमारा इमेज। और फिर हम लोगों ने क्या किया, उसको साइड बाय साइड लाने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स दे दिया, और थोड़ी बहुत स्टाइलिंग ऐड कर दी यहाँ पर। और यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट था उसे लाइन हाइट वगैरह सब कुछ एकदम अच्छे से हम लोगों ने प्रोवाइड करवा दिया। तो हमारा जो होम पेज यहाँ पर होगा होम पेज, और अबाउट का पेज, एक काम करते हैं होम पेज को भी यहाँ पर इमेज चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर होगा एक इमेज पब्लिक के अंदर,
यहाँ पर होगा hp.png। तो जाएंगे हम लोग हमारे होम पेज पर, और होम पेज पर यहाँ पर होगा इमेज, तो यहाँ पर इसे हटाएंगे, यहाँ पर लिख लेंगे hp.png और करूंगा इससे मैं सेव। तो हाँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा जो होम पेज का जो इमेज जो है वो भी एकदम अच्छे से आ चुका है, मतलब हमारा होम पेज एकदम अच्छे से बन के रेडी है और अबाउट का पेज भी एकदम अच्छे से बन के रेडी है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये दोनों काम जो है वो एकदम अच्छे से कर लिए, और अब हम लोग करेंगे क्या, तो अब हम लोग हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर यहाँ पर ये प्रोजेक्ट और कॉन्टेक्ट वाला जो पेज जो है उससे हम लोग डिजाइन करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग वो दोनों पेज डिजाइन करेंगे, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो बैकएंड का जो पार्ट है उसे बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो आज इस वीडियो के लिए बस इतना ही, और आप लोग नीचे कमेंट में बताइए कि आप लोगों को हमारा ये प्रोजेक्ट कैसा लग रहा है, और अगर आप लोगों को आज का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।